डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने राजेश मसाला को मार्गदर्शन दिया, एक अच्छा काम करने का मार्गदर्शन दिया। सांसद स्मृति ईरानी के आने से लोगों को सम्मान मिल रहा, अब गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत चेक वितरित किए, बता दें कि इसके तहत ही और डिप्टी सीएम ने तमाम बातें कही। आज अमेठी जनपद में अमेठी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी के मार्गदर्शन में राघव राम सेवा संस्थान द्वारा राजेश मसाला जी के सौजन्य से जी ढंग से वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को निशुल्क रजाई कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं राजेश जी का, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दीदी के नेतृत्व में अमेठी में चतुर्मुखी विकास हो रहा है, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली के मामले हो, चतुर्दिक विकास अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हो रहा है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं, अमेठी के डेवलपमेंट में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। हर स्थिति में अमेठी को हम नंबर एक का मॉडल लोकसभा क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इसको दीदी के नेतृत्व में नंबर एक का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आपने मंत्री से कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम जो भी आवश्यकता अमेठी की है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गुणवत्ता परक बने, शीघ्र बने, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अमेठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर पीएससी सीएससी अन्य सब सेंटर में जो भी आवश्यकताएं होंगी हम दीदी के मार्गदर्शन में उन सबको पूरा करेंगे। मंत्री जी, सीएससी पीएससी पर चिकित्सकों के बहुत अभाव है। देखिए, आप हर स्थिति में आपको मैं संतुष्ट करना चाहता हूँ। उपलब्धता के आधार पर अमेठी को हम नंबर एक पर रखेंगे, जो भी आवश्यकता उनको हम पूरा करेंगे, बजट की कोई कमी नहीं होने देंगे।